तो गाइस आज के हम शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कि 2022 में कौन कौन सी कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर है फॉक्सवैगन पोलो। तो फाइनली फॉक्सवैगन ने पोलो को डिसकंटिन्यू कर दिया है 2022 के अंदर, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डाउन सेल्स की वजह से, एज वेल एज वो 12 साल से इसी मार्केट में है तो उसकी एजिंग की भी एक वजह है जिसकी वजह से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। सेकेंड पोजीशन पर है रेनॉल्ट डस्टर। रेनॉल्ट डस्टर में ज़्यादा अपडेट ना होने की वजह से वो अपने राइवल से बहुत ही पुरानी दिखती है, इसी की वजह से रेनॉल्ट ने डस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया है 2022 के अंदर। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है ह्यूंडई एलंट्रा। फाइनली ह्यूंडई ने एलंट्रा को डिसकंटिन्यू कर दिया है 2022 के अंदर, इज जस्ट बिकॉज वेरना को सेल्स ज़्यादा मिले, इसकी वजह से उन्होंने एलंट्रा को डिसकंटिन्यू कर दिया है। हमारे चौथे नंबर पर है महिंद्रा अल्टुरस G4। महिंद्रा ने अल्टुरस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, इज जस्ट बिकॉज उन्होंने रिसेंटली जो बिग डैडी स्कॉर्पियो एन लॉन्च कर दी है तो उसको सेल्स उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने अल्टुरस G4 को डिसकंटिन्यू कर दिया 2022 के अंदर। तो हमारे पांचवें नंबर पर है मारुति एस क्रॉस। मारुति ने एस क्रॉस को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है, जस्ट बिकॉज उसकी स्लो सेलिंग परफॉर्मेंस की वजह से, और तो और ग्रैंड विटारा को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने मारुति एस क्रॉस को डिसकंटिन्यू कर दिया 2022 के अंदर। तो हमारे छठे नंबर पर है टोयोटा अर्बन क्रूजर। अपनी काउंटर पार्ट मारुति ब्रेजा से ज़्यादा ओवर प्राइस होने की वजह से टोयोटा ने फाइनली अर्बन क्रूजर को डिसकंटिन्यू कर दिया 2022 के अंदर। तो हमारे सातवें पोजीशन पर है ह्यूंडई सेंट्रो। फाइनली ह्यूंडई ने सेंट्रो को डिसकंटिन्यू कर दिया है 2022 के अंदर, इज जस्ट बिकॉज अपने राइवल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्राइस होने की वजह से, ओवर प्राइस होने की वजह से फाइनली ह्यूंडई ने सेंट्रो सेकेंड जनरेशन सेंट्रो को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो हमारे एट पोजीशन पर है डैटसन। डैटसन गो, गो प्लस एंड रेडी गो। फाइनली निशान अपने डैटसन ब्रांड को इंडिया से बंद कर रहा है और इसी की वजह से डैटसन गो, गो प्लस एंड रेडी गो अब से डिसकंटिन्यू हो चुकी है 2022 के अंदर। तो हमारे लिस्ट में नाइन्थ पोजीशन पर है ह्यूंडई नियोस डीजल एंड ह्यूंडई ऑरा डीजल वेरियंट। तो फाइनली ह्यूंडई ने नियोस डीजल एंड ऑरा डीजल को डिसकंटिन्यू कर दिया 2022 के अंदर, इज जस्ट बिकॉज RDE नॉर्म की वजह से, प्लस ज़्यादातर कस्टमर का इंटरेस्ट पेट्रोल पे होने की वजह से ह्यूंडई ने डिसाइड कर दिया है, डिसाइड नहीं ह्यूंडई ने डिसकंटिन्यू ही कर दिया है 2022 के अंदर नियोस डीजल और ऑरा डीजल को। लाइक एंड फॉलो ओइन इंडिया फॉर मोर सच वीडियोज।